सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ, आप लोगों को जैसा कि पता है आज मैं जाने वाला लखनऊ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी। तो फिर मैं छपरा मथुरा से जा रहा हूँ क्योंकि पिछले बार गया था तो एक्सपीरियंस लाजवाब था। तो अब की जाके ट्राई करते हैं बिकॉज आपकी ट्रेन लेट भी हो रही है। ट्रेन अभी ओरवारा पहुंची है, वहाँ पे 15 मिनट से खड़ी है, बल्कि उसका वहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट भी नहीं है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज, भीड़ भाड़ कैसा रहता है, साफ सफाई कैसी रहती है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। तो गाइस ट्रेन हम लोग की और वारा बहुत देर से खड़ी है, लगभग 15 मिनट हो गया, उसको हॉल्ट भी नहीं था, 15-20 मिनट हो गया, अभी वहीं खड़ी आ ही नहीं रही है। ट्रेन लेट होती जा रही, लेट होती जा रही, मतलब अभी लेट है, हो सकता है भाई देखो कितना लेट हम लोग को पहुंचा है। तो चलिए बैग पैक आप लोग को दिखा देते हैं, बैग सारा, और फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। भाई वो आए तभी निकलेंगे ना। तो ऐसे देख सकते हैं खाने पीने वाला आइटम भी मैं रख लिया हूँ इसमें, क्योंकि वहाँ पर भाई चूरा उरा कौन भूजेगा। और ये बैग अपना पैक हमेशा की तरह इसी बैग में मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बैग कौन लेके जाए यार, छोटा बैग रहता है, पिट्ठू आराम से टांग लो। और ये सारा सामान पैक हो चुका है, तो चलिए हम निकलते हैं जब ट्रेन आती है तब। हाँ तो पहले गाइस ट्रेन हम लोग की आ चुकी है बस्ती के इधर, तो बैग वैग पैक है, झोला वोला अपना पैक है। तो चलिए निकलते हैं अब जल्दी से, और आगे का ब्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं, फिर निकलते हैं तब। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं बैग वैग पैक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ दीदी भी जा रही हैं। तो चलिए फट से निकलते हैं, ट्रेन भी हम लोग की बफनान पहुँचने वाली है। चलिए गाइस निकलते हैं यहाँ से, आपका पैर बैठ चुके। अरे मिली भाई नहीं, मैं जहाँ जाऊँ भाई बोल दे रहे भाई नहीं, ना रो ना रो ना ना रो भाई नहीं ना रो ना रो, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हाँ फिर आऊँगा, मिलूंगा, बाय बाय जाओ मैं भाई नहीं, बाय बाय गाइस। फाइनल बाय करते हैं घर को और चलते हैं अब स्टेशन के लिए। गाइस निकल दिए स्टेशन के लिए, अब स्टेशन पहुंच के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गर्मी बहुत हवाई, तो एसी तुरंत चलाएं, फिर एसी पता नहीं कब नसीब होगा इसके बाद। हाँ तो गाइस फाइनली स्टेशन पहुंच चुके, चले टिकट टिकट ले लेके फिर आप लोगों से सीधा डायरेक्ट स्टेशन पे ही मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, आप लोग यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं, गजब का लगता है भाई साहब सुबह के टाइम स्टेशन, धूप भी अच्छी खासी है। तो गाइस ट्रेन हम लोग की आ गई है, चलिए अब ट्रेन में बैठ के आप लोग से मिलते हैं। सामान बहुत है तो एक लोग को आगे लगाएं, एक लोग को पीछे, देखते हैं जहाँ ज़्यादा खाली होगा वहीं बैठ जाएंगे। हॉर्न दे दिया, आते हैं चलिए मोबाइल लगते हैं, ट्रेन में बैठने के बाद आप चलते हैं। अब फाइनली गाइस हम लोग मस्करवा रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, आप लोग जैसा कि आगे देख सकते हैं डिपार्चर। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं भाई साहब खुला हुआ है, ट्रेन चल रही है खुला हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वॉश बेसिन भी एकदम क्लीन है। मैं तो अभी नोटिस किया, मैं तो डिपार्चर बना रहा था, देख सकते हैं गाइस मस्करवा रेलवे स्टेशन, बाय बाय मिलते हैं जल्दी भाई। तो गाइस अभी हम लोग मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, ज़्यादा मैं आप लोग को ये सब दिखाऊंगा नहीं बिकॉज मैं दिखा चुका हूं आप लोग को पिछले ब्लॉग में, इसीलिए डिटेल ब्लॉग नहीं बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए। ट्रेन लेट हुई थी, उसके पीछे का रीज़न भाई साहब एक नंबर है यार, बहुत ही ख़तरनाक रीज़न है। तो गाइस यहाँ से मनकापुर से हम लोग निकल चुके हैं, और ये मैं आप लोग को बताना भूल गया था, यहाँ से देखिए गाइस जो उधर वाली पटरी है वो निकल गई है वहाँ, क्या नाम है, अयोध्या के लिए लाइन। तो गाइस हम लोग गोंडा पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं इंडियन ऑयल। और गाइस ट्रेन का इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं, आराम से भैया लेटे हुए हैं, हम लोग गोंडा पहुँच चुके हैं इस समय, और ट्रेन एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी सब्जी हलवा सब कुछ बिक रहा है, इस समय हम लोग गोंडा रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं, हम लोग देख सकते हैं हम लोग भाई साफ सफाई का भी यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है, आप लोग को अभी मैं दिखा दूंगा भाई, एक नंबर रेलवे स्टेशन है यार। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसा कि बताया साफ सफाई का यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है, उससे चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग रोलर, इसी से साफ सफाई यहाँ पे हो रही है, एक नंबर वाई साहब। तो गाइस गोंडा से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं डिपार्चर यहाँ के। तो भाई ये मैं अभी नोटिस किया, यहाँ पे देख सकते हैं गोंडा का ये अलग से रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, मतलब और थोड़ा उसको बड़ा किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि गोंडा रेलवे स्टेशन को। तो भाई ये मैं एक चीज़ अभी नोटिस किया भाई साहब, एक नंबर चीज़ हो रहा है, गोंडा रेलवे स्टेशन को थोड़ा और बड़ा किया जा रहा है, मतलब जो स्टेशन ख़त्म हुआ है उसके बाद जो ब्रिज है, ब्रिज के आगे थोड़ा सा और स्टेशन बनाया जा रहा है, तो दूसरा स्टेशन तो भाई होगा ही नहीं, गोंडा ही होगा भाई। यहाँ पे एक और ऑयल देख सकते हैं, इंडियन ऑयल है ये भाई साहब, पेट्रोल यहीं से आता है हर जगह पूरे गोंडा ज़िला में। यहाँ पे भीड़ भाड़ देख सकते हैं बहुत कम ही है बिकॉज सब आराम से लेटे हुए हैं, छपरा मथुरा में मैं कम ही भीड़ देखता हूँ, जनरल में पिछले बार भी देखा था कम ही था। यहाँ पे एक और देख सकते हैं भाई साहब, इंडियन ऑयल बहुत है भाई।
तो गाइज ये बाराबंकी के जस्ट एक स्टेशन पहले ही रोक दिया भाई साहब, पिछले 10 से 15 मिनट हो गया, अभी तक ट्रेन यहीं पे खड़ी ही है। बाराबंकी बस आने ही वाला था, चल दिया भाई साहब, चल दिया यहाँ से। तो चलिए आप लोग को वॉशरूम दिखा देते हैं और फिर देखते हैं आप लोग से। वॉशरूम में आप लोग देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा गंदा है, वाटर डिस्पेंसर पानी आ रहा है, और यहाँ पे ना लिक्विड सोप है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, नो स्मोकिंग खाली लिखा है बस, और कुछ यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट टैक्स कुछ नहीं लगा है, खाली एक छोटा सा लाइट जल रहा है। वॉशरूम की कंडीशन वैसे ठीक ठाक है, लेकिन भाई एग्जॉस्ट नहीं है, ना लिक्विड सोप है, ना कुछ है। बाहर मैंने आप लोग को दिखाया था पानी, वहाँ बाहर भी आ रहा है मैंने देखा है, और ट्रेन भी हम लोग के यहाँ से चल दी है। तो गाइस बाहर का वॉश बेसिन आप लोग देख सकते हैं, ये भाई जो खुला है यार बहुत खतरनाक है यार एक भाई साहब। और यहाँ पे आप लोग ट्रेन का इंटीरियर देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि ठीक ठाक इंटीरियर की साफ सफाई वफाई का ध्यान रखा जा रहा है, बस कोच ही थोड़ी पुरानी आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं, कोच थोड़ी सी पुरानी आपकी मिली है। तो गाइस लग चुका है भूख, तो पहले पहले खा लेते हैं, घर से हम लोग खाना लाए थे, आलू की सब्जी है, बीन्स की सब्जी है, पूड़ी है, तो चलिए इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, इसका टेस्ट आपको क्या ही बताएं भाई, भूख बहुत तगड़ी लग चुका है और एक नंबर टेस्ट होगा भाई, घर का खाना है अच्छा ही होगा। और यहाँ पे अभी भी ट्रेन बाराबंकी नहीं पहुँची है, पता नहीं कहाँ रोक दी। तो भाई ट्रेन रुकी, अभी भी बाराबंकी नहीं पहुँची और हम लोग को लग चुका है भूख, तो चलिए पूड़ी सब्जी को खाते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। मज़ा आ गया भाई साहब, क्योंकि घर का खाना है ना एक नंबर लगता है यार, भूख भी लगा था और साथ में हम लोग मिर्च का अचार भी लाए हैं। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं और ट्रेन भाई एकदम आराम आराम से चल रही है, पहुँचते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। हाँ तो फाइनली गाइस खाना पीना हम लोग का हो चुका है डन और हम लोग फाइनली अब जाके पहुँचे कहीं बाराबंकी। भाई साहब ट्रेन इस समय बहुत लेट होती जा रही है, पिछले बार भाई एक नंबर चलाई थी लेकिन अब की भाई हो गया ना। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मुझे लग ही रहा था भाई कभी ना कभी तो करेगी, आवाज़ ही कर दी। तो गाइस यहाँ से भी ट्रेन निकल चुकी है, तो अब इसका ऑफिशियल हाल्ट तो सीधा बादशाह नगर है जहाँ पे हम लोग को उतरना है, लेकिन पता नहीं भाई हो सकता है बीच में कहीं रोक दे। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप लोग बाराबंकी का एक नंबर है भाई साहब, 2 और 3 इतना अच्छा नहीं है लेकिन 1 एक नंबर है, देख रहे हैं हम लोग। काम भी चल रहा है आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मशीन लगा है यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पत्थर वत्थर इधर उधर हो रहा है मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग भी देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन भी धीमे ही चल रही है भाई, यहाँ पे तो तेज़ चलेगी नहीं क्योंकि काम चल ही रहा है अभी। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बादशाह नगर, बैग वैग टांग लिए हैं, तो चलिए चलते हैं भाई, वैसे भी बहुत लेट हो गया ट्रेन। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन आप लोग देख सकते हैं भाई, बहुत लेट कर दी ट्रेन यार, लेकिन ठीक है भाई चलो, मौसम मतलब धूप तो थोड़ा कमी हो गया है ना, तो थोड़ा गर्मी कम है भाई साहब। तो चलिए गाइस बाहर निकल चुके, ओला आ रहा है हम लोग का, बैठते हैं अब, घर पहुँच के डायरेक्ट आप लोग से मिलते हैं भाई। धूप फिर से आ गया, मैं जैसे बोला कम हो गया फिर धूप आ गया, तो घर पहुँच। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने घर पे मतलब अपने रूम पे पहुंच चुके हैं भाई साहब, ट्रेन हम लोग को 3:30 बजे पहुंचाई भाई, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, मतलब 1.5 घंटे से ऊपर लेट है भाई, 1 बजे उसका टाइम था, 3 बजे पहुंचे, मतलब 2 घंटा अप्रॉक्स लेट थी भाई साहब, बहुत धीमे धीमे ला रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मतलब चला ही धीमे पूरा, मतलब हम लोग जब से आए मतलब स्पीड अपने बढ़िया जो पिछले बार था उस स्पीड से नहीं चलाइए। तो चलिए गाइस जब टाइम होगा इस ब्लॉग को एंड करने का, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बोले मैंने लाइक कीजिएगा, चैनल पे अभी तक नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे रेड वाला बटन है उसको क्लिक करो, उसको ग्रे कर दो भाई साहब और बगल में बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक करके जाना भाई साहब, बाय बाय।